है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने देखो एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 सॉल्व किया है, ठीक है, 5.2 और 5.3, ये हमारा हो गया। इसमें हमने क्या देखा है, बेसिक्स बता देते हैं। हमने देखा है सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, सबसे पहले हमने देखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस ये सभी को क्लियर है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट दिए गए ए और बी, तो उनका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर है। और ये वाई वन वाई टू क्या होता है, वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर प्लीज। यस सर। ओके, फिर सेकंड हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेकंड हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, कोई एक पॉइंट था, ठीक है, ये लाइन है ए बी, जो भी लाइन है बीच में कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में कोई पी पॉइंट है, एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको कैसे बोलते थे, ये डिवाइड यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हमको एक्स और वाई फाइंड करना है, तो हम कैसे लिखते थे, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस, ठीक है, ऐसे लिखते थे। इसी तरह वाई के कोऑर्डिनेट्स भी हो जाएंगे, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, आज हम पूरा रिवाइज करेंगे, और अगर नहीं किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर करेंगे, और अगर डाउट नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बता सकते हो आपको ये सभी दोनों क्लियर है, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला, आंसर? यस सर, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला आपको क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला में ही था वो, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में अगर हमारा एम और एन की वैल्यू एम इक्वल टू वन आ जाए और एन इक्वल टू भी वन आ जाए, अगर ये कंडीशन मिल रही तो हमको क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ओके, वो इसका ही सब से सब फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला सब सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू ये हो जाएगा, ओके, और वाई इक्वल टू हो जाएगा, y कोस्ट हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा था स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप का पॉइंट देखा है ना हमने, स्लोप का देखा है, हाँ स्लोप का देखा है, सेंटर्ड का देखा है, ओके। इसके बाद हमने क्या देखा था, सेंटर्ड वाला पॉइंट, सेंटर्ड फॉर्मूला एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। सेंटर्ड फॉर्मूला, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, बेसिकली हमने ये भी बताया था आपको, सेंट्रॉइड अगर एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का अगर कोई सेंटर पॉइंट हम कंसिडर करें कि उसका अगर सेंटर पॉइंट बताना है, तो वो जो पॉइंट हम बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, अगर ये पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू और सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ठीक है, ए बी सी आपको क्लियर है, ये है एक्स वन और ये है वाई वन, ओके, एक्स वन कॉमा वाई वन, तो सेम एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, तो इस तरह एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएगी एक्स, ठीक है, एक्स और वाई हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, सिंपल क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, वन टू थ्री डिवाइड बाय थ्री, इसी तरह वाई वाई का फॉर्मूला भी वो सेम हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाय थ्री, तीनों को ऐड कर दो और तीन से डिवाइड कर दो, ठीक है, तीनों को ऐड करना है, तीन से डिवाइड करना है, ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। अगर हमको कोई एक लाइन दी गई है, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ वाला प्रॉब्लम फॉर्मूला था, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में फाइव फॉर्मूले थे, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला था हमारा स्लोप फॉर्मूला, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। इसमें क्या था, हमको ये गिवन था, स्लोप कैसे निकालता है हमारा, स्लोप हमारा निकलता है जो भी है, ठीक है, अगर हमारे कोई लाइन दी गई है, कोई हमारी लाइन दी गई है, अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत मुझे ये पूछ सकते हो, ठीक है,
अगर हमें लाइन दी गई है ए बी, ये आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, कोई इंक्लाइन है कुछ तो भी, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसके हमको पॉइंट्स दिए, कोऑर्डिनेट दिए गए, एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए, तो हमका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप इसको कैसे लिखते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू हम लिखते हैं, देखो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट्स, सेकंड वाले का ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज में, और यहाँ तक के अभी तक के पूरे चैप्टर में आपको किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम में, कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपने भी सॉल्व किया हो, मैंने सॉल्व करके दिया हो, किसी को कोई समझाना हो वो पूछ सकते हो आप सभी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो कोई भी, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज हम फिर हमारी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रॉब्लम सेट उसके ऊपर बढ़ते, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक बार फॉर्मूलेज रिवाइज करो, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, अगर नहीं है तो हाँ बोल दो, मतलब नहीं है नहीं बोल दो, अगर हाँ है तो बताओ, बोल दो सर प्रॉब्लम नहीं है, मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रोइड फार्मूला है और फिर स्लोप फार्मूला भी है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ये वाला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनुजा अनुजा संयम अथर्व जो जो आ चुके हैं, नो सर, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमारा स्टार्ट क्या करने वाले हैं, आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट फाइव, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले प्रॉब्लम सेट फाइव, ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना, यस सर, अभी हम हमारा प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में हमको देखो सिंपल पहले क्वेश्चंस लेते वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन लेते पहले, उसमें आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं पहले, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, सेगमेंट सब क्वेश्चन दिया गया हमको वन, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस को पैरेलल है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए दिए, ओके, ए हमको क्या दिया है वन कॉमा थ्री, देन क्या बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कैन बी, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, पॉइंट बी कैन बी यहाँ पे बोला है हो सकता है, ठीक है, और ऑप्शन जो दिए ना हमको ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हमको उसको, वो ऑप्शंस की ओर ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शंस जो दिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ऑप्शन हमको दिया है ए थ्री कॉमा वन, बी फाइव कॉमा थ्री, सी हमको दिया है थ्री कॉमा जीरो, ओके, और डी हमको दिया है वन कॉमा माइनस थ्री, ठीक है। अभी हम हमारा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो अगर हम वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते, पैरेलल ड्रॉ करते, वाई एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करते, ये हमारा सिंपल कंसिडर कर लो, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये अगर हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये लाइन हमारी कोई वाई एक्सिस को पैरेलल, कोई एक लाइन है वाई एक्सिस को पैरेलल, ठीक है, और उसमें हमको क्या ए ए पॉइंट, देखो वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन होगी तो ये हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइन होगी, ये जो सपोज इसका नाम है एल, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन है, ठीक है, वाई एक्सिस को पैरेलल है ना, ठीक है, तो ये लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल हमको गिवन है, ठीक है, ये लाइन हमको वाई एक्सिस को पैरेलल गिवन है, तो अगर ये लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल हमको गिवन है तो हमको क्या यहाँ पे ए ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट दिया है और हमको बोला गया है कि बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, ठीक है,
ए पॉइंट हमको गिवन है और बोला है बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है देखो, 1, 3 कहाँ मिलेगा हमको देखो, 1, 3 यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हमको कौन से फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में मिलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। तो ये पॉइंट हमको ए यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी पॉइंट देखो अभी क्या बोला है, बी की पॉसिबिलिटी दिया है, बी कैन बी, बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू हमको सीधा सीधा क्या मिलेगा देखो, बी यहाँ ये लाइन पे कहीं तो भी मिलेगा, ठीक है, ये लाइन पे कहीं तो भी मिलेगा, यानी कि क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी, ये देखो वाई एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, यानी एक्स पॉइंट हमारा वाई एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, ये यानी कि एक्स पॉइंट उसका कंपलसरी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, ठीक है, आप देख सकते हो सिंपल, यहाँ पे आप ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाई एक्सिस को पैरेलल है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमको 1 चाहिए। देखो आप यहाँ देख सकते हमको 1 कोऑर्डिनेट कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट, बाकी कहीं पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है क्या, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट कहीं पर भी 1 नहीं, वाई मिल रहा है हमको वाई, लेकिन हमको वाई से कोई लेना देना, वाई हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि अगर वाई को पैरेलल है, ठीक है, अगर हमारी लाइन वाई को पैरेलल है तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी सेम यहाँ पे भी रहेगी, एक्स चीज सेम वहां पर रहेगी, ये लाइन पर हर जगह पर एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, तीनों पॉइंट पर एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ गया, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, मिल गया हमको, कैसे मिला हमने देखना है, सभी को समझ गया कैसे लिया है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ये कैसा समझा है सभी को, कैसे लिए हमने आंसर, बहुत सारे बंदे हैं कोई आंसर नहीं दे रहा, यस सर समझ गया, समझ गया ना, हमने क्या किया, हमको यहाँ गिवन था y एक्सिस को पैरेलल थी ये लाइन ए बी जो थी, ये y एक्सिस को पैरेलल थी, ठीक है, अब y एक्सिस को पैरेलल थी, a पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 1, -3, 1, -3 गिवन था, तो इसका मतलब हमारा x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स होगा, y एक्सिस को पैरेलल है मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, तो यहाँ पर x 1 है 1, 3, तो दूसरे पॉइंट में भी हमारा x 1 ही आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड हमारे प्रॉब्लम को जाते हैं, सेकंड प्रॉब्लम हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला गया हमको, पॉइंट डैश डैश लाइज लाइज टू द राइट ऑफ ओरिजिन ऑन x एक्सिस, डैश डैश पॉइंट डैश डैश, ठीक है, पॉइंट डैश 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 लाइज ऑन लाइज टू द राइट ऑफ राइज टू द राइट ऑफ ओरिजिन ऑन x एक्सिस, ओके, देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑप्शन दिया गया है उससे पहले भी हम पता, ठीक है, हमको कंसेप्ट समझ लेते हैं, एक ये हमारी x और y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा x और y एक्सिस, ये एक्सिस है हमारा x, ओके, हमको यहाँ पे x और y एक्सिस बेसिक कंसिडर करना है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, ये होता है हमारा 0, 0 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट होता है हमारा 0, 0, हमको क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट डैश डैश जो भी पॉइंट होगा नीचे में से उनमें लाइज टू दी राइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब राइट के ये ओरिजिन ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक जो भी पॉइंट होगा ना ये यहाँ पर हमको जो पॉइंट दिया होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब यहाँ पे होगा, लेकिन कहाँ होगा, टू द राइट, ठीक है, राइट में होगा, राइट ऑफ ओरिजिन ऑन x एक्सिस, मतलब यहाँ से x एक्सिस पे तो होगा लेकिन ये 0, 0 से इधर होगा, मतलब ये इधर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, ये 0 से आगे कहीं पर भी हो सकता है x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं, देखो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं a -2, 0, b 0, 2, c 2, 3 और d हो जाएगा हमारा 1, -3। तो इफ एनीबडी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्लीज आंसर, अगर आपको समझ गया है तो आप आंसर दे सकते, ठीक है, किसी को क्वेश्चन समझ गया है, ये क्वेश्चन क्या है हमको बोला गया है, ठीक है, एनीबडी नहीं समझा, ठीक है, हम बता देते हैं, ठीक है, हमको क्या बोला है, पॉइंट जो भी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ओरिजिन ऑन लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस,
लेकिन एक्स एक्सिस पर कहा टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, कहां पर लाइ कर रहा है एक्स एक्सिस पर और वो भी राइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब क्या होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई पॉइंट्स मिल गया एक्स एक्सिस पे, पहले देखते हैं एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट। देखो हमारा यहाँ पर मिल रहा है दो पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, ये क्वेश्चंस में हमको क्वेश्चन में हमको दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, ये माइनस टू कॉमा जीरो, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर एक माइनस वन और ये माइनस टू आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस टू कॉमा जीरो, ठीक है, माइनस टू कॉमा जीरो हमारा यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाला मिल रहा है, लेकिन ये लेफ्ट में, ठीक है, तो ये हमें चलेगा, ये हमारा कैंसिल करना पड़ेगा। सेकंड वाला हमको मिल रहा है जीरो कॉमा टू मिल रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हमको चलेगा नहीं, फिर हम सिंपल है यहाँ पर टू कॉमा जीरो, तो देखो टू कहाँ आएगा यहाँ पे और वो कहाँ आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अभी समझ में आ गया। यहाँ पर ये सीधा सीधा दिया गया था हमको एक्स एक्सिस पर लाइ कर, ठीक है, राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, हमको कहाँ पर लाइ करने वाला था ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारा ये पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन ये एवरीबडी। यस सर। ओके अभी हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ओके डिस्टेंस एक पॉइंट दिया गया हमको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम कहाँ से बोला है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट क्या दिया गया वो देख लेते, माइनस थ्री कॉमा फोर, ये हमको पॉइंट दिया गया, ठीक है, और ओरिजिन देखो हमारा ओरिजिन क्या होता है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे होता है ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो, ओके, और ये पॉइंट है हमारा माइनस थ्री कॉमा फोर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा माइनस थ्री कॉमा फोर, एक्स एक्सिस हो जाएगा माइनस थ्री और वाई एक्सिस हो जाएगा फोर, ठीक है, तो ये पॉइंट इधर कहीं आएगा माइनस थ्री कॉमा फोर, ठीक है, और अगर इन दोनों को ज्वाइन करना है तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, क्लियर है सभी को, हमको सभी को क्लियर है, ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब x1 x2 मिल गया हमको, यहाँ पे देखो ये आप सीधा सिंपल मिल रहा है x1 और y, यहाँ पर आप इसको x1 कंसीडर करो x2 कंसीडर करो, ये सिंपल जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर इसको नाम देते हैं हम ए और ये तो जीरो है ये ओ है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए ओ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर इसको एक्स वन कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको हम एक्स वन कंसिडर करते हैं सिंपल सिंपल, और इसको एक्स टू कंसिडर, एक्स टू वाई टू, ठीक है, एक्स टू वाई टू और इसको एक्स वन वाई वन, ओके, तो ये यहाँ पर आप देखोगे एक्स टू वाई टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एक्स टू और ये एक्स वाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस थ्री, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, तो ए ओ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री उसका स्क्वायर, ओके, प्लस ये y की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखो फोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन और फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट नाइन प्लस सिक्सटीन यानी अंडर रूट ट्वेंटी फाइव, तो AO डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव, अगर इसका स्क्वायर रूट ले ले तो हमको मिल जाएगा फाइव, ठीक है, क्लियर है सभी को, हमको आंसर क्या मिला है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है, ऑप्शन ए देखो अब हमको क्या यहाँ पे गिवन था, ए हमने ए गिवन था हमको सेवन, ठीक है, बी पॉइंट हमको गिवन था वन, सी पॉइंट हमको गिवन था फाइव और डी पॉइंट हमको गिवन था माइनस, डी पॉइंट हमको माइनस फाइव, ठीक है, डी पॉइंट हमको गिवन था माइनस फाइव, तो हमारा आंसर फाइव मिल गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, सभी को समझ आ गया। अगर हमारा देखो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होता है, ठीक है, अगर हमको पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फाइंड करना है हमको कहाँ से फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला उस कंडीशन में डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू होती है, वो पुट कर दो हमारा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, अभी देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है, ठीक है,
सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी? एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी आस्क, लेट आस्क, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। एनीबडी? ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ लाइन, सो स्लोप ऑफ लाइन विल बी, लाइन इज, ठीक है, लाइन इज, हमको ऑप्शन क्या दिया है, देखो tan 30 की वैल्यू हमको पूछा गया है, ठीक है, हमको सिंपल सिंपल एंगल 30 डिग्री दिया है, स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है, तो वो जाएगा tan 30, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये tan के वैल्यू होता है हमारा, देखो आपको त्रिकोण में सिखाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan 30 का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, m इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे √3 बच रहा है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वैल्यू का 1 अपॉन √3, तो ऑप्शन हमारा क्या था यहाँ पे, देखो ऑप्शन ए था हमारा 1/2, ऑप्शन बी था √3/2, ओके, सी था हमारे पास 1/√3, ओके, और डी हमारे पास है √3, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये क्लियर है सभी को, चौथा भी प्रॉब्लम, चारों प्रॉब्लम्स क्लियर है सभी को, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, बोलो आंसर प्लीज। जगदीश, प्रणव, संयम, यश, एनीबडी, आनंदी सर, वो टेन कैसा निकला वो नहीं समझा सर। अच्छा, ये आपको अगले चैप्टर में समझा देंगे, ठीक है, वो tan 30 की वैल्यू कहाँ से आई, आप कैसे किए हो, ठीक है, ये अगला चैप्टर जो आएगा ना आपका, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है आपका, ठीक है, वो चैप्टर का नाम है, हाँ चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ओके, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें आपको वो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा, तो वो tan की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कहाँ से आई ना, ये आप खुद ब खुद समझ जाओगे 1/√3 कहाँ से आएगा, ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 कहाँ से आया, ये खुद आप समझ जाओगे, ठीक है, तब तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है tan 30, हमको स्लोप इक्वल टू tan 30 होता है, tan, ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा होता है, इतना ध्यान रखना है, m इक्वल टू tan थीटा ये फॉर्मूला होता है, ओके, इतना आपको ध्यान रखना, ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, क्या बोला गया हमको, डिटरमाइन वेदर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देखो आपको ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उसमें आपको ये सिंपल इतना टिक ही करना होता है, ये सी वैल्यू लिखना है, क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको 4, ठीक है, मेन क्वेश्चन था 1, उसका सब क्वेश्चन 4, और उसी के साथ साथ सी आंसर लिखना है और टिक कर देना, ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको डायरेक्ट पूरा लिखा है, सॉल्व किया है, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, मैं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए ऐसा सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो चलो, डिटरमाइन वेदर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमको गिवन है, ठीक है, ए बी सी, पहला वाला पॉइंट लेते हैं हम, ए 0.2, बी 1, -0.5, ठीक है, और सी हमको गिवन है 2, -3, ठीक है, अभी देखो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हमको कोलिनियर हम डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या हो जाएगा, देखो ए बी अगर लेते हैं, ए बी का अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 - 0, 1 हो जाएगा, और ये -0 + -0.5 - 2, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, तो ये क्या हो जाएगा √
वन और ये माइनस 0.5 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2.5, ठीक है, 1 प्लस माइनस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2.5 का स्क्वायर, 2.5, ओके, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2.5 की वैल्यू, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल, माइनस 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, स्क्वायर क्या होगा, 2.5 × 2.5, ओके, इसमें घबराना नहीं, बिल्कुल पॉइंट वाला आ गया, कोई इश्यू नहीं है, 25 × 25 हमारा होता है 625, ठीक है, और ये पॉइंट एक और एक दो, तो ये आंसर कितना है 6.25, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 + 6.25, ओके, और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7.25, ठीक है, रूट ऑफ 7.25, ये हमारा यहाँ पे ए बी का वैल्यू मिला है, ठीक है, हम इसको और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ए बी ये हमको जो मिल रहा है ना, ठीक है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर रहे हैं, हम इसको स्लोप फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ये मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हम फाइंड करेंगे, बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, देखो बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, माइनस बी कोऑर्डिनेट है 1, 1, माइनस 0.5, और सी कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, -3, ओके, सी कोऑर्डिनेट 2, -3, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू देखो 2 - 1, 1 हो जाएगा, ओके, और -3 और ये प्लस, ये हो गया -3 और माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 0.5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है, अपने फॉर्मूले में y2 - y1 होता है, ठीक है, वहां पे एक माइनस और ये एक माइनस, तो हो जाएगा 2 - प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + -3 और प्लस 0.5 यानी -2.5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आया, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1 + 6.25, सेम, तो हमारा आंसर आया √7.25, ठीक है, दोनों में हमको ए बी की वैल्यू भी मिल गई √7.25, ए बी की वैल्यू हमको मिली है √7.25 और बी सी की वैल्यू हमको मिली है √7.25, ठीक है, अभी हमको देखना है ए सी की वैल्यू, ठीक है, ए सी का वैल्यू अगर हम देखेंगे, ठीक है, ए सी का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0.2 और सी के 2, -3, सी के 2, -3, ओके, तो यहाँ पे अगर x1 x2 का फॉर्मूला लगा दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, तो 2 - 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 और -2 हो जाएगा -5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 25, ठीक है, √29 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू √29, ठीक है, अभी ए बी और ए सी ये सभी रूट में आया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ए बी का वैल्यू आया √7.25, बी सी का वैल्यू हमको मिला है √7.25, ठीक है, ये भी √7.25 मिला है, और ए सी का वैल्यू हमको मिला है √29, ठीक है, तो ये हमको एडिशन करने के लिए रूट में बहुत हार्ड जाएगा, ठीक है, ये बहुत हार्ड जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है, स्लोप फॉर्मूला, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोल नहीं सकते ना रूट के अंदर हमारी एडिशन कैसे हो जाएगी, बहुत हार्ड जाएगा ये, ठीक है, √7.25 + √7.25 ऐसा हम यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर करके देखते हैं तो ए सी होगा क्या, तो देखते हैं √7.25 + √7.25, ठीक है, इक्वल टू √29, ठीक है, ये रूट का एडिशन एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, ये 7.25 और ये 7.25 ऐसा नहीं होगा, ये 14.50 ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे, अगर ये हो रहा है तो ये भी हमको पता चल जाएगा स्लोप फार्मूला से, ठीक है, हमको देखो ए के पॉइंट दिए 2 और ये माइनस यहाँ पे वाई टू की ए बी का स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ रहा है किसी को, कोई क्या कर रहे हैं हम लोग, एनीबडी, तो ध्यान, ठीक है, कोई आंसर दे रहा है, प्लीज आंसर, अनुजा आपको यहाँ समझ रहा है हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करके देखें,
तो ये पूरा रूट में आ रहा है, ठीक है, ये हमको रूट में आंसर्स मिल रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारे दूसरी मेथड अप्लाई करके देखें। हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, स्लोप मेथड, ठीक है, स्लोप वाला फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो अप्लाई करते हैं अभी, ठीक है, वो देखेंगे। हमारे पास ए के ए कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0.2 और बी के 1, -0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या है, -0.5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 - 0। तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2.5/1। तो सिंपल स्लोप ऑफ ए बी कितना मिला हमको, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू मिल रहा है -2.5, ठीक है। अभी स्लोप ऑफ बी सी देखना है, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी देख लेते। स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, स्लोप बी सी के कोऑर्डिनेट देखो, ये हो जाएगा -3 - -0.5 हो जाएगा अपॉन 2 - 1, ओके 2 - 1। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा -2.5/2 - 1, 1, तो ये भी हो जाएगा -2.5, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी भी क्या हो गया, स्लोप ऑफ बी सी यहाँ पे भी हमको मिल रहा है -2.5, ठीक है, ओके। अभी थर्ड वाली कंडीशन हमारी स्लोप ऑफ ए सी बाकी है, ठीक है, इसमें अगर हमको मिल रहा है तो हम करेक्ट है। स्लोप ऑफ ए सी तो क्या हो जाएगा, देखो ए पॉइंट है 0.2 और सी 2, -3, तो ये हो जाएगा -3 - 2/2, 2, 2 - 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/2, तो ये सेम माइनस ये 2 को अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये -2.5 हो जाएगा अपॉन 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी भी हो जाएगा हमारा -2.5। देखो हम वहां से सॉल्व नहीं कर सकते थे तो इधर से सॉल्व करके दिखाया आपको। देखो ये कौन सी कंडीशन में हो गया हमारा, जब हमारा क्वेश्चन बहुत रूट में आ रहा है या पर हमको क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट में दिया गया, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पॉइंट में अगर आपको क्वेश्चन दिया है, पॉइंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया गया है, पॉइंट्स की ऐसी बारीक बारीक वैल्यू दी गई है, 0.5 में कोई दिया गया है, -2.5 ऐसा कुछ दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला वहाँ अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, आपको वहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको वहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपको वहाँ पर स्लोप वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सभी को क्लियर है, देखो स्लोप हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी भी उतना सेम है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो गया, हेंस स्लोप ऑफ तीनों का स्लोप एक हो गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ओके, हेंस ये क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, ये हो जाएगा पॉइंट्स कोलिनियर, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट सभी को समझ में आ गए, ओके, यस सर, ओके। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आके पूछ सकते हो या फिर बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। हम हमारा लेक्चर आज यहाँ पे एंड करते हैं छोटी सी प्यारी भरी मुस्कान के साथ, ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, एनी डाउट।